विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। अच्छा विक्की वैसे इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, कम्युनिकेशन कौन सी पाजी? कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हाँ जी। अपना जो चंदू नहीं आता चाय वाला, हाँ जी है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर, शक्ल से गरीब लेकिन लगता है चाय वाले। पर विक्की के अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे अपने सोनू पाजी हैं, सोनू सूद, सुशांत सिंह राजपूत है, तापसी पन्नू है। अच्छा हम ये माने कि इंजीनियर अच्छे एक्टर भी होते हैं, या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते हैं, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? जनता जानना चाहती है। पता नहीं पाजी, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। और विक्की एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ यार, जब तुम्हें पता था कि एक्टर ही बनना है तो उधर पैसे क्यों लगवाए पापा के? वैसे भी ये शूट नहीं करते ऐसे ही बता दो। नहीं पाजी पता नहीं था मुझे। नहीं पता था? नहीं, बचपन से मैं स्टेज पे एक्टिव था, कभी फैंसी ड्रेस, नाटक, डांस वांस जो भी कर लिया, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था। पर मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि आगे क्या बनना है। कोई पूछता था क्या करना है आगे, तो मैं सब MBA बोल रहा हूँ, मैं भी MBA बोल देता था। अच्छा। मेरा ध्यान होता था क्रिकेट पे, पिक्चरें देखना। तो क्रिकेट आपको पसंद है? बहुत पसंद। सिद्धू भाई को खेलते हुए देखा? बहुत देखा जी, बहुत ज्यादा देखा है, किसने नहीं देखा। पाजी ने इतनी सेंचुरीज बनाई है ना। हाँ जी। एक इनका और मैच हुआ था। ऐसी मैंने कुछ कहा पाजी? मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला पाजी? मैं आपके शो का इतना बड़ा फैन हूँ ना, मुझे पता है किस मैच की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा ही नहीं पाजी। सेंचुरी का बेस बना के जीरो पे आता है। ध्यान से देखिए इस इंसान को, खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला। आदमी ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको लग रहा है मैंने तो बोलना नहीं था। मैंने कहा पाजी ने इतनी सेंचुरी बनाई है, इनका वो वाला मैच देखा था जिसमें इन्होंने 103 बनाए थे, वो मैं वो बोलने वाला था। पर हाँ 99 में हुआ था थोड़ा ब्लंडर। पर पाजी आई लव यू। मी टू पाजी। हाँ जी। जैसे आपने इस कमली का करेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय, मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ। मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहां पे, तो संजू फिल्म देखने, तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में, मेरा भाई। अच्छा हमने टिकट ले ली पहले ही, आधा घंटा पहले ही, तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं, तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए। अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी। कहते यू आर नॉट अलाउड। मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए। कहता कट आउट। मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देख रहा। मैं साइड पे आ गया, फिर मैंने मेरा दोस्त है उसको भेजा, उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी, बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू। तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसकी भी बेइज्जती हुई। मैंने कहता ओके यू आर द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट, ऐसे वाला एटीट्यूड था। तो फिर जाके हमने देखी, पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। अच्छा विक्की पाजी बहुत यंग है, बैचलर है, सुपरस्टार हो गया है, तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। विक्की पा जो काम आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते, बिकॉज आप एक फिल्म स्टार हो, आप पब्लिक के बीच नहीं जा सकते हो, बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे शो का ये दस्तूर है कि जो आपकी फैंस हैं हम आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो आपकी फैंस हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, मैंने कहा हम कोशिश करते हैं पूरी करने की। तो वो कहाँ है विक्की की जो फैंस थी, कहाँ बैठी हुई हैं? सारी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कर लो सारी ख्वाहिशें पूरी करो आज। अच्छा ढोकला। प्लीज प्लीज वेलकम। हाउ आर यू गर्ल्स? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम वेलकम। चाल में जो ये जो बदलाव आ जाता है ना। वेलकम वेलकम वेलकम। बेटा स्कूल नहीं है? हाय वेलकम। अच्छा हाय, आप सब लोग अपना अपना नाम बताएं। यस, मैं मुंबई में रहती हूँ, बनारस की हूँ। आप मुंबई में बनारस की हैं? हाँ। बनारस शहर इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है, बनारस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप इधर आ जाओ फिर। ये बनारस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शादी वादी की न्यूज आ रही है ना, वो मुझे एक मूवी मिली है, उसमें मेरे को दूल्हे का किरदार करना था, तो मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए मीडिया ने बड़ा उठाया, अदरवाइज आई एम बैचलर। कौन सबसे पहले शुरू करना चाहे, बनारस वाली क्या बोलना है? सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरी गोद में वो सर रख के सोए और आप एक लोरी गाए। ये ख्वाहिश बड़ी मतलब मजेदार सी है आपकी। ये बहुत ही डिटेल्ड ख्वाहिश है कि आप गोद में सोएंगे, आप गाना गाएंगे।
बैठ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। ये सब यही होता है, हम बहुत मजा करता है। पाजी इंजॉय। हाँ। आप तुसी आप लग रहे हो। हाँ जी सुनो, पूरी महाराजा वाला फील लो, ये लो अंगूर भी खिलाओ, अंगूर खिलाओ इनको। सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे, रारा रे रूं रारा रूं रारा रे रूं रारा रूं। आ जाओ बेटा, फिल्म भी रिलीज है अपनी, आ जाओ। सो स्वीट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट थी, ये जरूरत थी थोड़ी सी, थोड़ी देर आगे बंद करने की। बाकी से भी रिपीट करवाना सेम। हाँ जी हाँ, ये अच्छा था। आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू, और मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। वाओ, आई विल ज्वाइन यू गाइस। विकी भाजी, मैं बात पूछनी ऐसे, जैसे है तो मेरे जैसा ही भाई, मेरा देसी आदमी है, पर ये किसी की लड़की को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता भाजी, मेरे को बताओ। अच्छा, मैंने एक फिल्म करी थी जिसमें चार बीवियां थी, मेरे से पकड़ा ही ना जाए उनको। हम लोग रिहर्सल करेंगे एक बार में। थैंक यू, बट आपने बहुत अच्छा डांस किया, थैंक यू। आइए, आपको बेटा चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए, आपकी क्या ख्वाहिश है? हाँ जी विकी सर, हाँ जी, गिव मी अ हेड मसाज। हैं? हेड मसाज? यस। बेटा तू सच्ची में फैन है कि वैसे तेरा दिल कर रहा है मसाज करने का? मैं फैन भी हूँ, मेरा दिल भी कर रहा है, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं करती। कर दो भाजी बच्ची। आई आजो आजो बेटा, आजो आजो घर ही है, कैमरे में बंद कर दो, आजो बेटा। यहाँ आइए। नेल्स वेल्स कुछ हाथ का कैसे कैसे? नहीं नहीं, आप यहाँ बैठिए। तेल के साथ करानी है? अच्छा, नारियल पानी के साथ? हाँ, नारियल सर्ज तेरा चकराए, क्या डल्लू बजाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। बेटा जब भी ऐसा कुछ करना है ना, तो जुए निकाल के आते हैं आज। मेरे घर में जुए नहीं है। I love you, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी छोटी। मेरे जुआ नहीं है। थैंक यू थैंक यू। और आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। हाँ जी। कि मुझे नारियल पानी पीना। तो पीजिए पीजिए फिर। पर हम एक ही नारियल शेयर करें। नारियल पानी लेके आओ, एक पाइप और डाल दो, मैं भी चूस लूंगा थोड़ा नारियल पानी। लाइए। कौन सा वाला मांगता है? हरा वाला, पीला वाला मांगता है? पाजी केड़ा? पाजी जरा मरती। Do you want me to sing any romantic number? Paji, ho jaye. Hain? Haan, main bhi karta hoon. Wow! Bas. Yaari re. Paji, bas ho gaya. Pee liya. Mera gaana nahi khatam hua, piyo piyo piyo. इसने कौन सा पिया था, पीला वाला? भाइयों का रोमांस, ये ले लीजिए सर। आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी सबसे अनोखी है। हाँ जी। सर आप मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? आप मुझे वहां तक गोदी में उठा के छोड़ दो। ये अलाउड है? बताओ। वो बड़े खुशी खुशी बोल रहे हैं यस। वो ना लौंडे क्या करते हैं, अभी तुम उठाओगे ना गोदी में, तो ये इमेजिन करेंगे कि हम मजा ले रहे हैं। मेरे को पता है,
लड़कों की सोच मैं अच्छी तरह समझता हूँ. मेरी तो हो गई शादी, बाकी मैंने किसी को करने नहीं देनी है हरकतें. आई वाज जस्ट जोकिंग, आई एम नॉट मैरिड. पाजी छोड़ा प्लीज, आप देख लो आमी कैसे, मतलब ऐसे कि पाजी 2.5 किलो की लड़की ऐसे उठा लो. हाँ जी, थैंक यू, प्लीज प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू.